हेलो फ्रेंड्स, मेडिकल ट्यूबर में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का जो हमारा वीडियो का सब्जेक्ट है वह है साइटोलॉजी स्टडी के ऊपर। फ्रेंड्स, तो आपको बता दूं कि साइटोलॉजी के एमसीक्यूज में लेके आया हूं जो इंग्लिश में है फ्रेंड्स, और इसके लिए प्रत्येक क्वेश्चंस का एमसीक्यूज दिया हुआ है ए बी सी एंड डी में, और इसका एक आंसर राइट आंसर है फ्रेंड्स। तो इसके लिए आपको मैं 4 से 5 सेकेंड दूंगा टाइम फ्रेंड्स, और आपको नीचे कमेंट्स में बताना है कि इसका आंसर क्या होगा। तो चलिए फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं, और हमारा पहला क्वेश्चन है, साइटोलॉजी इज स्टडी ऑफ एंड योर टाइम इज स्टार्ट नाउ, एंड आंसर है फ्रेंड्स सी ए एंड बी, एंड ऑप्शन नंबर फर्स्ट है इंडिविजुअल सेल एंड सेकेंड है टिश्यू फ्रेगमेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेकेंड, फॉर साइटोलॉजी कॉमनली यूज स्टेन आर, एंड आंसर इज द सी ए एंड बी। पहला ऑप्शन है पेप्नोकोलस स्टेंस, सेकेंड है मे ग्रेनून वाल्ड जिम्सा या एम जी जी स्टेन जिसको कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थर्ड, फॉर फाइन नीडल एस्पिरेशन एंड थिक सेलुलर डिस्चार्ज फ्लूड नो सेंट्रीफ्यूगेशन इज रिक्वायर्ड वाइल रिलेटिवली वाटरी थिन एंड हाइपोसेलुलर फ्लूइड्स स्मियर इज द प्रिपेयर्ड फ्रॉम, आंसर इज द ए सेंट्रीफ्यूज्ड सेडिमेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फोर, स्मियर शुड बी प्रिपेयर्ड एंड फिक्स्ड इमीडिएटली फॉर साइटोलॉजी बिकॉज, आंसर इज द फर्स्ट एक्सफोलिएटेड सेल डिजेनरेटेड रैपिडली। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फाइव, बॉडी फ्लूड्स एंड वाटरली एक्सर्टेड्स एग्जाम्पल यूरिन स्पाइनल फ्लूड्स ब्लूअर फ्लूड्स इत्यादि विल नॉट एडेयर टू द ग्लास स्टडी स्लाइड्स, फर्स्ट इट इज हैज टू बी कोटेड विथ ए लेयर ऑफ, आंसर इज द फर्स्ट मेयर्स एग एल्ब्यूमिन। क्वेश्चन नंबर सिक्स, इफ अन स्टेंड स्लाइड आर टू बी मेल्ड दे मस्ट बी प्लेस्ड इन द फिक्सेटिव फॉर द लिस्ट फिक्सेटिव एट लिस्ट, एंड आंसर इज द बी 2 hours। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेवन, फॉर फ्लूड साइटोलॉजी फ्लूड्स हैज टू बी कलेक्टेड इन ऑप्शन ए बी सी एंड डी, एंड आंसर इज द ए EDTA। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर एट, अब फ्रेंड्स अगर आपको मेरे यूट्यूब का वीडियो का लिंक चाहिए तो आप यहाँ क्लिक करके लिंक में जा सकते हैं, और साथ में फ्रेंड्स अगर आपको इसका नोट चाहिए, वीडियो का नोट चाहिए, तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं इसका लिंक दे दूंगा, आप वहाँ से जाके नोट्स को डाउनलोड कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर एट है फ्रेंड्स, स्मियर फॉर साइटोलॉजी स्टैंड्स बाय हैरिस हिमेटिजाइलिन न्यूक्ली एपियर, एंड आवर आंसर इज द सी ए एंड बी, दोनों है ब्लू विथ क्लियर शार्प डिटेल्स, एंड बी साइटोप्लाज्म वेयरिंग शेड्स ऑफ पिंक ब्लू येलो ग्रीन ग्रे। क्वेश्चन नंबर नाइन, व्हाट आर द टेक्निक ऑफ फाइन नीडल एस्पिरेशन बायोप्सी, एंड आंसर इज द ई ऑल ऑफ द अबव, needle within the lymph nodes, retractions of the piston of the syringe in order to create
नेगेटिव प्रेशर इन बैरल ऑफ सिलिंस, सी मूवमेंट ऑफ नीडल इन 2 to 3 डायरेक्शंस और प्लेन्स, एंड डी रिलीज ऑफ पिस्टन एंड विड्रॉल ऑफ द नीडल, एंड ई इज़ द ऑल ऑफ द अबव। आंसर इज द ऑल। क्वेश्चन नंबर 10, एस्पिरेशन साइटोलॉजी ऑफ इंट्राथोरेसिक मैसेस इफ परफॉर्म टू डायग्नोज पेरिफेरल लंग्स लेसन्स विच आर नॉट एसेसिबल बाई। आंसर इज द सी, ए एंड बी, ब्रोंकोस्कोप एंड विच डू नॉट डिसक्वाइमेट इंटू ए ब्रोंकियल फ्री। क्वेश्चन नंबर 11, एस्पिरेशन साइटोलॉजी ऑफ इंट्राथोरेसिक मैसेज इज यूजुअली कैरिड आउट अराउंड द टेबल अंडर। आंसर इज द डी, ऑल ऑफ द अबव। ऑप्शन नंबर 1, टेलीविजन फ्लोरोस्कोपी, बी अल्ट्रासाउंड गाइडेंस एंड सी सिटी गाइडेंस, एंड आंसर इज द डी, ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन, एस्पिरेशन साइटोलॉजी ऑफ इंट्राथोरेसिक मैसेज लोकल एनेस्थीजिया इन डन अप टू। आंसर इज द फर्स्ट, प्लूरा। नेक्स्ट क्वेश्चंस, द यूजुअल इंटरनल डायमीटर ऑफ द नीडल इन साइटोलॉजी ऑफ इंट्राथोरेसिक मैसेज इज। आंसर 0.6 to 0.7 mm। नेक्स्ट क्वेश्चंस, द इंटायर प्रोड्यूसर्स ऑफ इंसर्टिंग द नीडल एंड स्प्रिंग द लेसन इन साइटोलॉजी इन इंट्राथोरेसिक मैसेज शुड नॉट टेक मोर देन। एंड आंसर इज द सी, 20 seconds। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, आफ्टर द एस्पिरेशन साइटोलॉजी ऑफ इंट्राथोरेसिक मैसेज द नेटेंट्स नीड्स पेशेंट्स नीड्स टू बी केप्ट अंडर ऑब्जर्वेशन फॉर अबाउट 2 hours सो एज टू डिटेक्ट कॉम्प्लिकेशंस टैक। आंसर इज द सी, ए एंड बी, फर्स्ट ब्लीडिंग एंड सेकेंड न्यूमोथोरेक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16, फॉर एस्पिरेशंस लीवर 8 to 16 centimeter नीडल्स इज यूज विद एक्सटर्नल डायमीटर ऑफ। आंसर इज द ए, 0.6 mm। आर 0.7 mm। क्वेश्चन नंबर 17, प्रोथ्रॉम्बिन टाइम इज एस्टिमेटेड बिफोर। आंसर इज द फर्स्ट, लीवर एस्पिरेशंस। नेक्स्ट क्वेश्चंस, इन लीवर एस्पिरेशंस द आइडियल ट्रांसकोस्टल एरिया फॉर एंट्री ऑफ नीडल इज। आंसर इज द फर्स्ट, 9th इंटरकोस्टल स्पेस इन मिड एक्सिलरी लाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19, व्हेन द लीवर इज इनलार्ज पार्टिकुलरली व्हेन द ट्यूमर मैस इज पल्पेबल एस्पिरेशन कैन बी कैरिड आउट इन द। आंसर इज द ए, सबकोस्टल रेजिन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20, इन प्रोस्टेटिक्स एस्पिरेशंस फॉलोइंग स्टेप आर इंक्लूड्स। आंसर इज द
आंसर इज द ई, ऑल ऑफ द एबव। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21, लार्ज ओवेरियन ट्यूमर्स विच आर पेल्फेबल आर एब्डोमल कैन बी एस्पिरेटेड। आंसर इज द सी, ए एंड बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22, व्हाट आर द एडवांटेज ऑफ द फाइन नीडल एस्पिरेशन बायोप्सी प्रोसीजर। आंसर इज द डी, ऑल ऑफ द एबव। नेक्स्ट क्वेश्चंस, फॉल्स नेगेटिव रिजल्ट मे बी ऑब्टेन इन द फॉलोइंग सिचुएशंस। आंसर इज द डी, ऑल ऑफ द एबव। ऑप्शन नंबर फर्स्ट, इफ दे आर द एक्सटेंसिव फिब्रोसिस एंड स्क्लेरोसिस इन ए ट्यूमर्स, बी इफ द ट्यूमर्स इज हाईली वेस्कुलर एंड सी इफ द ट्यूमर नेक्रोसिस। एंड ऑप्शन इज द डी, आंसर इज द राइट, ऑल ऑफ द एबव फॉर फॉल्स नेगेटिव रिजल्ट। नेक्स्ट क्वेश्चंस, बी स्कैन डिस्प्लेज आर यूज्ड व्हेन परफॉर्मिंग स्टडी ऑफ द। आंसर इज द डी, ऑल ऑफ द एबव। फर्स्ट ऑप्शन एब्डोमल, बी रेट्रो पेरिटोनियम एंड सी पेल्विक एंड डी ऑल ऑफ द एबव। क्वेश्चन नंबर 25, व्हाट आर द एडवांटेज ऑफ बी स्कैन। आंसर इज द डी, ऑल ऑफ द एबव। ऑप्शन फर्स्ट, टेक लेस टाइम देन टू परफॉर्म मैमोग्राफी एंड बी नो रेडिएशन हजार्ड, सी कैन बी यूज टू गाइड्स द एस्पिरेशन ऑफ साइट दैट कुड नॉट बी ड्रेन्ड क्लीनली हैंस अवॉइड सर्जरी। एंड आंसर इज द डी, ऑल ऑफ द एबव। नेक्स्ट क्वेश्चंस, व्हाट आर द डिसएडवांटेज ऑफ बी स्कैन्स। आंसर इज द सी, ए एंड बी। नेक्स्ट क्वेश्चंस, फॉर नीडल एस्पिरेशन दैट आर डायलेटेड बाय फ्लूइड्स ए प्रोसीजर कॉल्ड द टू स्टेप स्मेरिंग टेक्निक प्रोवाइडेड एंड। आंसर इज द ए, ऑप्टिमल कॉन्सेंट्रेशंस ऑफ सेल ऑन द स्लाइड, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चंस, कंबाइंड्स एलसीएन ब्लू पेप्स टेक्निक्स इज यूज्ड टू ए सेपरेट एस्पिरेट। फ्रेंड्स यहाँ थोड़ी सी मिस्टेक कर दिया हूँ टाइपिंग करने में, एस्पिरेट है यहाँ। आंसर इज द ए, एसिड म्यूसिन एंड न्यूट्रल म्यूसिन। क्वेश्चन नंबर 29, व्हाट डज पेप्स स्टैंड्स फॉर। आंसर इज द ए, पर आयोडिक एसिड सिफ रिएक्शंस। क्वेश्चन नंबर 30, एसिड फॉस्फेट्स इज डिमॉन्स्ट्रेटेड बाय एन एजो डाई कंपाइलिंग टेक्निक that depends upon the hydrolysis of a substrate's containing. And answer is the A, alpha naphthol phosphate. And friends, इसका हिंदी का important कुछ लो notes मैं इसमें update करूँगा कल तक। तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद, जय भारत। और अगर channel पे नया है तो channel को subscribe भी करके ज़रूर करेंगे। Thank you for watching. Have a good day.